संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कहते हैं, जात जात में जात है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना बन सके जब लग जात ना जात। गुरु रविदास जी कहते हैं कि हमारे देश में जातियां ऐसे समाई हुई हैं जैसे केले के पत्ते होते हैं, एक पत्ता उतारो तो दूसरा पत्ता आ जाता है और दूसरा पत्ता उतारो तो तीसरा पत्ता आ जाता है और इसी तरह से जाति को उतारो तो दूसरी जाति आ जाती है। गुरु रविदास जी कहते हैं कि जब तक ये जातियां नहीं मिटेंगी तब तक एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ ही नहीं पाएगा। संत रविदास की इस वाणी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों देश की संसद में जाति पर बहस छिड़ी हुई है। कोई नेता किसी नेता की जाति पूछ रहा है तो कोई कह रहा है कि किसी की जात का ही पता नहीं है। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर दिए अपने भाषण में SC ST और OBC की अकमारी का मसला उठाया और जातिवाद जनगणना की मांग को दोहराया, लेकिन कास्ट सेंसस की बात होते ही BJP के सीने में आग लग गई और BJP नेता सदन में जातिवाद जनगणना का विरोध करते करते राहुल गांधी की जाति पर ही कमेंट कर बैठे। और मैं चाहता था कि बजट में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, बांटती जाती है, बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बांटता किसको है? वही 2-3% लोग, और बाकी हिंदुस्तान 90% हिंदुस्तान देख, फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही है। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम, ये हंसने की बात नहीं है, ये जाति जनगणना है, ये जाति जनगणना है, इससे देश बदल जाएगा। सर, OBC की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर बेहुदी टिप्पणी की और फिर सदन में हंगामा मच गया। विपक्ष ने इसे राहुल गांधी का अपमान बताया और BJP के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए, बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं, आप पूछ के दिखाओ जाति को, ये लोकतंत्र का करिश्मा ही है कि जिन अखिलेश यादव ने SC कर्मचारियों की जाति पूछ पूछ कर, जाति देख देख कर उनका प्रमोशन में मिले आरक्षण को खत्म करके उनका डिमोशन किया था, आज वो सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि आप जाति कैसे पूछ सकते हैं। ये अच्छी बात है कि अब राजनीति सामाजिक न्याय के मसले पर हो रही है और पक्ष विपक्ष सोशल जस्टिस के मसले पर संसद में लड़ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया कि उन्हें गाली दी गई है लेकिन उन्हें अनुराग ठाकुर से माफी नहीं चाहिए। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। राहुल गांधी सीधे जातिवाद जनगणना पर निशाना साधने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती ने राहुल गांधी और BJP दोनों पर ही निशाना साध दिया। बहन जी इस बारे में सोशल मीडिया X पर लिखती हैं, कल संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस व BJP आदि में जारी तकरार, नाटकबाजी तथा OBC समाज को छलने की कोशिश है, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम व पर्दे के पीछे भी घोर OBC विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। BSP के प्रयासों से यहां लागू हुई OBC आरक्षण की ही राष्ट्रीय जातीय जनगणना जनहित का एक खास राष्ट्रीय मुद्दा, जिसके प्रति केंद्र को गंभीर होना जरूरी है। देश के विकास में करोड़ों गरीबों, पिछड़ों व बहुजनों का भी हक है, जिसकी पूर्ति में जातीय जनगणना की अहम भूमिका है।
बहन जी की बात सही है, बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वो कास्ट सेंसस कराएगी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बीजेपी अपने वादे से मुकर गई। वहीं कांग्रेस ने भी उन राज्यों में जातिवार जनगणना नहीं कराई जहां उनकी सरकार रह चुकी है या जहां उनकी सरकार है। ऐसे में इन पार्टियों की मंशा पर तो सवाल उठाया ही जाएगा, लेकिन इस बहस के बीच ये सवाल भी पूछा जाएगा कि क्या 21वीं शताब्दी में जब हम चांद पर जा पहुंचे हैं तब भी क्या जाति पूछी जा रही है। इस सवाल का जवाब आपको आपके आसपास ही मिल जाएगा। भारत एक जाति प्रधान देश है जहां जाति लोगों की नसों में दौड़ती है। शादी ब्याह के इश्तेहारों से लेकर किराए पर कमरा देने तक हमारे देश में जाति सबसे पहले देखी जाती है। हमारे देश में सिर्फ नाम जानने से काम नहीं चलता बल्कि पूरा नाम जानने की कोशिश की जाती है ताकि सरनेम के बहाने सामने वाले की जाति पता की जा सके। जाति की इस बीमारी ने हमारे देश को बर्बाद करके रख दिया है। इस बर्बादी के बारे में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज कहते हैं, जात पात के फेर में ही उर्जी रहे सब लोग, मानुष ताकू खात है रैदास जात का रोग। गुरु रविदास कहते हैं कि सभी लोग जाति पाति के चक्कर में उलझ कर रह गए हैं। जाति पाति का ये चक्कर इंसानियत को खाए जा रहा है। अगर ये चक्कर से नहीं निकले तो एक दिन जाति का ये रोग संपूर्ण मानवता को निगल जाएगा। संत रविदास की तरह ही डॉक्टर अंबेडकर भी जाति को एक बीमारी मानते हैं और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति के खात्मे की बात करते हैं। लेकिन क्या भारतवर्ष जाति के विनाश के लिए तैयार है? क्या भारत का समाज जाति के समूल खात्मे के लिए तैयार है? जवाब है नहीं। इसलिए जरूरी है कि जाति की समस्या पर बात हो और उसके निदान के उपाय किए जाएं। इसी कड़ी में जातिवार जनगणना भी जरूरी है, लेकिन सियासत ऐसी है कि देश में भेड़ बकरी और गायें भैंसों की गिनतियां तो की जाती हैं, लेकिन इस देश में ओबीसी जातियों के लोग कितने हैं इसकी गिनती नहीं की जाती। इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।